आदाब सलाम नमस्ते हेलो यूट्यूब। आज हम करने जा रहे हैं कूलपैड मेगा 3 का कैमरा रिव्यू। तो हम लोग पहले इसका अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, अनबॉक्सिंग का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आज हम इसका कैमरा टेस्ट करने वाले हैं कि इसका कैमरा कितना अच्छा है और क्या है इसका कैमरे पे। इसके पूरे स्पेसिफिकेशन पहले ही हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो था, तो स्पेसिफिकेशन पे हम नहीं जा रहे हैं। अगर फिर भी आप लोगों को स्पेसिफिकेशन चाहिए इसके, तो हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन के पूरे फीचर और स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं कैमरा का। इसका कैमरा 8 मेगापिक्सल बैक, 8 मेगापिक्सल फ्रंट, एपर्चर 2.2 के साथ आता है, जो कि ऑटो फोकस है। इसके बोथ साइड एलईडी फ्लैश है। आप इस पे जियो टैगिंग कर सकते हैं। इसमें फेस डिटेक्शन ऑप्शन है, एचडीआर, पैनोरामा, टच फोकस सारे ऑप्शन है। ये 720p तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, जो कि 30fps तक है। चलिए और कुछ ना बोलते हुए देखते हैं कैमरे की क्वालिटी को, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दो बात आपको बता दें। वीडियो के नीचे एक लाल सा बटन है जहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, वहाँ पे क्लिक करना मत भूलिए। अगर आप लोगों को हम लोगों का वीडियो, तो हम लोग ऐसे बहुत सारे वीडियो लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक बात, सब्सक्राइब बटन के बाद एक बेल सिंबल है, उस बेल सिंबल को एक बार टिंग टोंग करना मत भूलिए। मतलब बेल सिंबल को एक बार क्लिक करना मत भूलिए, वो बेल ही आपको हम लोगों तक आसानी से पहुंचा सकता है। तो फिर बेल को बजाते रहिए और हम लोगों से जुड़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कूलपैड मेगा 3 का कैमरा का, जो कि 8 मेगापिक्सल बैक है, 8 मेगापिक्सल फ्रंट है। इसका कैमरा क्वालिटी इसके जो मेगापिक्सल है इसके कंपेयर में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए झटपट देख लेते हैं इसका कैमरा का क्वालिटी। तो ये है हमारा फ़ोन कूलपैड मेगा 3। चलिए इसे अनलॉक करते हैं। इसका लुक बहुत ही प्रीमियम है, आप कहीं से भी देखिए। इसका विजुअल इफेक्ट बहुत ही अच्छा है, इसका स्क्रीन का ब्राइटनेस देख सकते हैं। साइड में एक गोल्डन कलर का रिंग है, जो कि व्हाइट फोन पे ही मिलेगा आपको, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो गया हमारा कैमरा। पीछे है 8 मेगापिक्सल कैमरा विद एलईडी फ्लैश, उसके साइड में नॉइस कैंसलेशन, सामने है ऊपर फ्लैश, साइड में कैमरा और सेंसर। आप देख सकते हैं इसका स्पेसिफिकेशन कितना अच्छा है। टैप टू फोकस है इसमें, आप देखिए छोटा चीज़ भी बहुत ही बारीकी से आप देख सकते हैं इसका रेजोल्यूशन कितना अच्छा है। नाइट विजन पे आप डार्केस्ट चीज को भी आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। देखिए आप, इसके ब्यूटिफिकेशन मोड है, प्रो मोड है, जिसके सहारे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। प्रो मोड पे बहुत सारे फीचर्स है, IOC लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद इसके वीडियो मोड भी है इसके। आप देख सकते हैं कैमरा इसका कितना स्टेबल है, इसका मूवमेंट के बाद भी बहुत ही स्टेबल। तो ये है हमारा छोटा सा टेडी, जिसके ऊपर हम अभी थोड़ा कैमरा का फोकसिंग करेंगे। तो देखते हैं ये फ़ोन कितना क्या कर सकता है, इसका रेजोल्यूशन कितना अच्छा है। ये हमने टैप टू फोकस किया,
ये उसका पिक लिया। आप देख सकते हैं कैप्चर फोकस करने के बाद वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन भी लाता है, फ्लैश ऑफ है, एचडीआर ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, फिर भी पिक्चर बहुत ही अच्छा आया है। यहाँ पे पैनोरामा मोड है, आप गिफ कर सकते हैं और साउंड शॉट भी कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ सेटिंग्स, चलिए और एक शॉट लेते हैं, टैप टू फोकस और ये लिया शॉट। इसका एनिमेशन भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हम जूम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, हर एक डिटेल ऑब्जेक्ट का बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है हर एक डिटेल। आप छोटा सा छोटा वर्ड भी आप पढ़ सकते हैं, इतना क्लियर है ऑब्जेक्ट डिटेल। चलिए बॉक्स का एक पिक लेते हैं, और ये लिया हमने बॉक्स का पिक। ऑटो फोकस मोड पे था इसलिए मैं टैप नहीं किया। आप देख सकते हैं बॉक्स का जो डिटेल, प्राइस, सब कुछ एकदम क्लियर आ रहा है। हर एक वर्ड, हर एक इंक का दाग होता है, हर एक सब कुछ पूरा क्लियर आ रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिस्टेंस देख सकते हैं हम कितने दूर से इसे जूम कर रहे हैं, तो आप इसका फ्रंट कैमरा देखते हैं, ऊपर फ्लैश दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। चलिए आप फ्रंट, इसके और एक अच्छा फीचर है, आप फ्रंट कैमरा पे वीडियो कर सकते हैं, ये बहुत कम कैमरा पे मिलते हैं। इसका बहुत सारे फिल्टर भी है, आपको इसके लिए दूसरा कोई ऐप लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका फिल्टर पहले से ही दिया हुआ है, जो फिल्टर पे आप यूज करके आप पिक्चर ले सकते हैं किसी का भी। और ये सारे फिल्टर फ्रंट कैमरे पे है, फ्रंट कैमरे पे इतना फीचर बहुत कम मिलता है। आप जूम भी कर सकते हैं फ्रंट कैमरे को, ब्यूटिफिकेशन मोड पे ब्यूटिफिकेशन तो ऐड कर ही सकते हैं। आप देख सकते हैं फोटो मोड पे फ्लैश ऑन होगा, लेकिन ब्यूटिफिकेशन मोड पे फोन फ्लैश ऑन नहीं होगा। देख रहे हैं आप कितना फ्लैश हो रहा है ये फ्रंट फ्लैश पे, और ये रहा पिक्चर विद फ्रंट फ्लैश। हम जूम कर रहे हैं, अब देख सकते हैं डिटेल, फ्रंट कैमरा का डिटेल जितना बैक कैमरा उससे भी अच्छा लग रहा है, फ्रंट कैमरा इतना अच्छा पिक आ रहा है फ्रंट कैमरा से। यहाँ पे भी तीन मोड है, ये सेटिंग्स आ गया, सेटिंग्स पे स्टोरेज है, पिक्चर रेजोल्यूशन आप हाई या लो कर सकते हैं, फ्रंट मिरर है, लोकेशन तो आप दे ही सकते हैं, ब्राइटनेस है, गाइडलाइन है, वॉल्यूम की है, वॉल्यूम की से आप पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं, मैनुअली बहुत सारे हैं, टाइम पिक है बहुत सारे हैं, तो अभी तक डिफॉल्ट ही किया हुआ है सब कुछ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं कैमरे के ऊपर जब टैप हो रहा है तब एक सेंसर आ रहा है ब्राइटनेस की तरह, तो उस सेंसर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्राइटनेस ज़्यादा या कम हो सकता है। यह है सारे फीचर्स, तो ये था हमारा फ़ोन कूलपैड मेगा 3 कैमरा रिव्यू के साथ। हो सकता है आप लोगों को कैमरा रिव्यू अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप नीचे सब्सक्रिप्शन बटन मिल जाएगा आपको। अगर कोई भी सुझाव, कोई भी सजेशन, कुछ भी हो तो हमें बोलना मत भूलिए,
पेज पे कमेंट करना मत भूलिए। आपके हर एक लाइक, हर एक सुझाव हम लोग को इंस्पायर करता है अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।